हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। रॉस पढ़ चुके हैं। सिमिलरली आपका एक और होता है आपका वो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है। तो सबसे पहले तो देख लें इसका स्टेटमेंट क्या है। आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, LMBT इसको कहते हैं। LMBT आप जहाँ भी LMBT है इसका मतलब वो आपका लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। एफ यहाँ पे क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन है। और उसके बाद जो है एफ एक्स जो है कंटिन्यूस होगा, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। आपको हम बता चुके रॉल्स थ्योरम का ही आपका ये है कि एफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा और एफ एक्स जो है डिफरेंटेबल होगा कहाँ, ओपन इंटरवल। यहाँ से जो होगा देन देयर एग्जिस्टिंग रियल नंबर, यहाँ पे एक सी जो होगा एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सच दैट एफ डैस सी जो होगा वो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। तो सपोज दैट यहाँ पे अगर हम लोग जो है इसका थोड़ा सा इसका मीनिंग समझें कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पे रेट मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग अगर समझेंगे तो आप यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग को, यानी फिजिकल इसका जो मीनिंग क्या होता है इसका, वो चीज़ को देखें। जैसे मान लेते ये कोई कर्व, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब यहाँ पे हमको जो है एक कर्व को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कर्व जो है एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक कर्व ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये कर्व है ये, ठीक है, ये कर्व है। और यहाँ से जो है ये कर्व जो ले लिया, अब यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये आप एक ज्वाइन कर लिए, नेक्स्ट जो है यहाँ से ज्वाइन कर लिए, ठीक है। दो लाइन को हम लोग ज्वाइन कर दिए, जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग ए ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। सपोज ये पॉइंट सी है, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लें इसको, ये रहा सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि ये जो जो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये जो एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे होगा क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। और यहाँ पे जो जो इंटरमीडिएट वैल्यू जो है वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है कि है, मतलब ये दो इंटरवल दिया, दो पॉइंट दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इसमें जो होगा आपका, मान लेते सपोज हम एक आपको थोड़ा सा इसको फिजिक्स की तरह आपको समझाते हैं कि अगर मान लेते कोई पार्टिकल जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया, ये आपका कर्व है, ठीक है, ये कर्व की ओर से बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ये था उसका मतलब फाइनल पॉइंट। सपोज दैट क्या है, इसका जो एवरेज स्पीड क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इस जगह जो है मान लेते ए है, तो यहाँ पे जो होगा आपका, सपोज यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ए और एफ ऑफ ए होगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी और ए, यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं क्या कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है सबसे पहले जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और फिर ये मूव करके कहाँ चला गया है, बी के पास चला गया है। अब यहाँ से अगर हम लोग सोचें कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आपको पता होगा एवरेज स्पीड के लिए, तो आप एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा आप देखें, और यहाँ पे यू ए और बी जो होगा आपका टाइम है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होगा आपका क्या, एफ बी माइनस, ठीक है, एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, बी माइनस सी, ये उसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर ये एवरेज स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे एफ बी ये आपका एवरेज स्पीड है, एफ बी एफ ऑफ ए जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी जो है आपका फाइनल पॉइंट है, मतलब एफ ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से जो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा, मतलब किसी पार्टिकुलर समय पर जो उसका स्पीड होगा एफ डॉट सी होगा, और ये पार्टिकुलर समय पर इसका स्पीड जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी माइनस ए, ये इसका होता है आपका फिजिकल मीनिंग होता है, ठीक है, कि एफ डस सी यहाँ पे क्या है, कौन सा स्पीड यहाँ शो करेगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है, स्पीड को। अब यहाँ पे देखिए किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो किसका इक्वल होता है, एवरेज स्पीड का इक्वल होगा। यही चीज़ आपका जो है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो आपके यहाँ पे वो स्टेट करता है। इसका फिजिकल मीनिंग यही होता है कि जो किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो होगा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उसका एवरेज स्पीड का इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपका जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो है मतलब कोई ना कोई पॉइंट पे, ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट पे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा।
अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन समझेंगे। एप्लीकेशन के लिए आपको पता चुके होते हैं कि कंटिन्यूस और डिफरेंटेबली क्या होता है। आपको सारा फंक्शन जो होगा अपना डोमेन भी जो होता है अपना कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल होता है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़े। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स इन जीरो वन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले जिसको हम लोग क्या समझ लें कैसा फंक्शन है पॉलीनोमियल है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा टू एक्स, और क्या होगा एक्स स्क्वायर इन जीरो वन। यहाँ पे पहला लिखे हैं एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, हिंस इट इज कंटिन्यूस, हेंस इट इज कंटिन्यूस ऑन, कहाँ होगा जीरो वन पे हो, क्या होगा कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखें एफ डैश एक्स, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप, क्या होगा टू होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना होगा टू एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स इन कहाँ होगा जीरो वन में, ठीक है। सो सो एफ एक्स इज डिफरेंटेबल, एफ एक्स इज डिफरेंटेबल, ओके। अब यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, रियल नंबर सी सच दैट, सच दैट क्या होगा एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा जीरो होगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एफ डैश सी जीरो मीन्स यहाँ पे आपको पहले तो आपको ए का वैल्यू लेना पड़ेगा, आपको एफ ऑफ ए क्या होगा देखें आप, एफ ऑफ ए मतलब क्या होगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू जीरो है तो हमें जीरो बैठा है तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या होगा पूरा जीरो हो जाएगा। फिर एफ ऑफ बी, बी का वैल्यू वन है तो यहाँ पे टू इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर मीन्स टू माइनस वन इक्वल्स टू वन हो गया। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा देखें एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी का वैल्यू क्या है देखें यहाँ पे एक्स की जगह में सी बैठा दें टू माइनस टू सी इक्वल्स टू एफ बी का वैल्यू वन माइनस जीरो और यहाँ पर भी होगा वन माइनस जीरो। तो यहाँ से होगा आपका टू माइनस टू सी इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से टू सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका इधर ले आए इसको टू माइनस वन, सो सी इक्वल्स टू क्या होगा वन बाई टू, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है कहाँ एग्जिस्ट कर देगा आपका इंटरवल पे, ठीक है, तो ये रहा जीरो, ये आपका वो बन गया यार। इस तरह करके आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, इसमें आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाता है आपको डिफरेंट लैग्रांजियन में, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल देते हैं। नेक्स्ट देखें अब देखें एक्सरसाइज 3D, ठीक है, 3D आप बोले 11D, आप 11D का क्वेश्चन नंबर वन से बताते हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन से बताते हैं 3D या 11 आपका, ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज से है, पहला क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस टू एक्स प्लस थ्री, प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इसका इंटरवल, इसका इंटरवल दिया है फोर और सिक्स। तो यहाँ से देखें आप, यहाँ से लिख दें आप इसको फोर सिक्स, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा और इसका क्या होगा टू होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा फोर सिक्स होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा उसको आप देख लेते हैं, चेंज पार्ट को, चेंज पार्ट को इसको देख लें आप, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, अब यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखेंगे क्या इसका वैल्यू आने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस क्या है थ्री, ए का वैल्यू क्या है फोर है और बी का वैल्यू कितना है सिक्स है, तो यहाँ से एफ ऑफ फोर का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा फोर का स्क्वायर प्लस
टू इंटू फोर प्लस क्या होगा थ्री, फोर का स्क्वायर 16 प्लस 8 प्लस 3 तो 16 और 8 24 प्लस 3 तो क्या होगा 27। और एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ सी का वैल्यू फिर 6 बिठाएं, 2 इंटू 6 प्लस कितना होगा 3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 प्लस 3 तो ये होगा कितना 36 और ये होगा क्या 12 तीन 15 15 और इसको पहले ऐड करते हैं 314 प्लस 3 फर्स्ट क्या होगा 51 और यहाँ पे 51 हो गया। जब आपको वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा एफ टेस सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है तो एफ टेस सी का वैल्यू क्या होगा आपका देखें, एफ टेस सी का वैल्यू दिया हुआ है 2c प्लस 2 और ये आपका एफ बी का वैल्यू कितना है 51 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 तो यहाँ पे 11 में 7 4 और यहाँ पे 4 में 2 2 और 6 में 4 जाएगा 2 तो इसको कट जाएगा ये कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो 2c प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 12 होगा। सो 2c प्लस होगा 2c इक्वल्स टू क्या होगा 10 होगा, c इक्वल्स टू क्या होगा 5 होगा, ये जो होगा आपका 4 और 6 में एग्जिस्ट करेगा ये आ गया आपका। ठीक है इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ये क्वेश्चन इस तरह करके आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है यार यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है इसका इंटरवल है 0 4। ठीक है 0 4 इसी तरह बनाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है। ठीक है अब यहाँ पे जो है देखें यहाँ पे क्या है होगा आपका, ये तो आपका 0 4 होगा। ठीक है यहाँ पे आपका जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 1 होगा। ठीक है और यहाँ पे आपका क्या होगा 0 4 होगा। तो ये चीज़ नेक्स्ट हम लोग स्टेप में देखेंगे, हम लोग आप इसको बनाएंगे तो देखें आप इसको बना के क्या बनेगा इसका, क्या इसका आंसर आने वाला है। ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे आपको भी बनाना पड़ेगा, आपको एफ ए बी एफ ए निकालिए एफ बी निकालिए ये सारे वैल्यू को आप निकालिए। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू इसका आएगा आपका, यस तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो यहाँ से एफ ऑफ का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू 0 बैठाएं तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वन तो यहाँ पे आपका माइनस वन होगा। फिर एफ ऑफ 4 का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस वन, 4 4 जा 16 प्लस 4 माइनस वन तो 16 4 20 ये कि आपका 19 हो जाएगा, एफ ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ से आप जो है इसका वैल्यू बैठाएंगे, एफ डेट सी का वैल्यू कितना है आप देखें 2c प्लस 1 और ये एफ बी का वैल्यू कितना है 19 माइनस एफ ए का वैल्यू है माइनस वन माइनस माइनस प्लस बी माइनस वन तो आप 4 माइनस क्या करें 0 तो 19 20 होगा, ये 4 से कटेगा 5 होगा यहाँ पे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2c प्लस 1 इक्वल्स टू 5 होगा। सो 2c इक्वल्स टू 5 में 1 4 सो c इक्वल्स टू क्या होगा 4/2 मीन्स 2। ठीक है ये जो क्लियरली एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 4। ठीक है ये चीज़ आ गया। ठीक है इस तरह करके क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5th तक आपका ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है सारा क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, आप 5th नंबर तक इसको बनाए आप क्वेश्चन नंबर 5th तक। ठीक है हम क्वेश्चन नंबर 3rd बताते हैं फिर से आपको, क्वेश्चन नंबर 3rd देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ कितना 1 और 3 तो ये आपका क्या होगा 1 और 3 होगा। ठीक है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x होगा और 3x का होगा माइनस 3 होगा। ठीक है क्लियरली एग्जिस्ट इन 1 और 3 होगा। ठीक है अब नेक्स्ट इसको बनाएंगे आप, नेक्स्ट जब इसको बनाएंगे तो आप क्या आएगा देखें इसका, इसका जो है नेक्स्ट में आपको एफ ए और एफ ई का वैल्यू निकालें इसका कितना आएगा, एफ ए और एफ ई का वैल्यू कितना आएगा देख लें यहाँ पे, एफ ए और एफ ई का वैल्यू निकालें तो एफ ए और एफ ई का वैल्यू हम लोग कितना होगा देखें तो सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ए का वैल्यू है 1 और बी का कितना है 3 है तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1
प्लस वन, तो ये ऊपर टू माइनस थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ थ्री बैठाएंगे यहाँ पे, तो टू इंटू क्या होगा, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू जै एटीन माइनस नाइन प्लस वन, तो एटीन वन नाइनटीन माइनस नाइन प्लस टू क्या होगा, टेन होगा। ठीक है, अब यहाँ से एफ डी सी का वैल्यू फुट करेंगे आप, तो फोर सी माइनस थ्री होगा, और एफ बी का वैल्यू है टेन, और यहाँ पे है जीरो माइनस थ्री माइनस वन, तो टेन में टेन को टू से डिवाइड करेंगे फाइव होगा, तो यहाँ से जो फोर सी इक्वल टू क्या होगा, फाइव प्लस थ्री हो जाएगा, सो फोर सी इक्वल्स टू एट होगा, सो सी इक्वल्स टू एट बाई फोर होगा, सो सी इक्वल्स टू होगा, विच क्लियरली एग्जिस्ट इन वन थ्री होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको बनाना है आपको। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर देख लें आप। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर इसमें लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और ये दिया हुआ है क्या, माइनस वन फोर, माइनस वन और फोर। ठीक है, तो ये सारे तो वही होगा, कंटिन्यूस ऑन क्या होगा, माइनस वन फोर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा आपका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, टू एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा, विच इज क्लियरली एग्जिस्ट माइनस वन फोर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे बनाए, अगर इसको बनाएंगे आगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया आपका, अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालें क्या होगा इसका, एफ ऑफ ई का वैल्यू, एफ ऑफ ई का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या इसका वैल्यू इसका आने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या आएगा, देखें एफ ऑफ ई मतलब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, माइनस वन बैठाएंगे तो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब होगा प्लस माइनस वन का स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा, सिक्स माइन इंटू माइनस वन, तो ये आपका माइनस वन, ये आपका प्लस वन, ये प्लस वन, सिक्स वन सेवन, सेवन में वन गया, सॉरी ये कट गया आपका, इक्वल टू सिक्स होगा। एफ ऑफ फोर बैठाएंगे तो क्या होगा आपका, फोर क्यूब प्लस फोर स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू फोर, फोर क्यूब होगा सिक्सटी फोर, एज क्या होगा सिक्सटीन, माइनस ट्वेंटी फोर होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये तो आपका एटी होगा माइनस ट्वेंटी फोर, तो ये आपका 56 होगा। एफ डी सी का वैल्यू कितना है, देख लें एफ डी सी का वैल्यू आप क्या होगा, थ्री सी स्क्वायर प्लस टू सी माइनस सिक्स, और एफ बी का वैल्यू कितना है, देखिए आप एफ बी का वैल्यू 56 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है, सिक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस वन, मतलब फोर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाई फाइव, तो यहाँ होगा आपका 10, तो ये आपका आ गया कितना, थ्री सी स्क्वायर प्लस टू सी, अब टेन को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस सिक्स प्लस टेन इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, सो थ्री सी प्लस स्क्वायर प्लस टू सी प्लस फोर इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। यहाँ से जो है आप सी के लिए आपको फॉर्मूला होगा माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट हंड्रेड डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो टू का स्क्वायर होगा फोर माइनस फोर ए सी, फोर थ्री जेड ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री। ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कर लें, ये आपका जो है जो भी होगा ये आंसर आ जाएगा, फोर प्लस सी माइनस एट होगा डिवाइड बाई सिक्स हो जाएगा, ये चीज़ आपका आ गया। ठीक है, इसी तरह करके आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इसी तरह करके आपको। ओके,